हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ कि सीएनसी सीमेंस कंट्रोल में टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं एक्स और जेड में। ठीक है दोस्तों, टूल चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आज मैं लूँगा टर्निंग टूल का और थ्रेडिंग टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं। कुछ भाइयों को मुझे कमेंट आया था कि भाई कि आप मुझे थ्रेडिंग टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं सीमेंस कंट्रोल में, उस चीज़ मुझे पूरा डिटेल्स में बताओ। एक एक कीपैड के बारे में दिखा दिखा के आपको बताऊंगा कि ये कीपैड दाते हैं तो इससे हमारा ऑफसेट लेते हैं, सारा कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, दोस्त वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको मशीन पे सीधा दिखाता हूँ कि कैसे सीमेंस कंट्रोल में एक्स और जेड टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं। दोस्तों ये सीमेंस कंट्रोल मशीन है, ठीक है, ये देखो, और इसमें सब कुछ प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि कैसे ऑफसेट लेते हैं। ठीक है, एक एक कीपैड के बारे में बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ इससे ऐसे होता है। ठीक है, ताकि जो हमारे नए ऑपरेटर भाई लोग हैं और जो भी सीखना चाहते हैं उनको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टूल के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो माइनस में हमारा टूल अभी थ्रेडिंग का लगा हुआ है, डेढ़ पिच है। ठीक है, डेढ़ पिच ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस में एक टूल बना हुआ है और देखो यहाँ प्लस में एक टूल बना हुआ है TNMG T4 डाटा। ठीक है, जैसे 0.8 की बिट लगी हुई है और ये भी लेफ्ट में है। ठीक है, ये राइट का टूल है बट नीचे बनाए हैं तो लेफ्ट में अपलोड लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो हमारा रेडी है, यानी कि जैसे आपको हिंदी में बोलते हैं गुटका इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सब कुछ कट लगा के रेडी हुआ है और आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कौन सा सिंपल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे जिंक कराया हुआ है, ये हमारा सिंपल है। दोनों तरफ थ्रेड है, थ्रेड तो दोनों सेम ही है, थोड़ा सा लंबाई का फर्क है, इधर ज़्यादा इधर कम है। ठीक है, बाकी ये डाया सारा सेम है, थ्रेडिंग भी दोनों तरफ की सेम है। और अभी देखो एक मशीन पे हमारा फर्स्ट सेटअप हो रहा है जो कि हमारा पीस रखा हुआ है। ठीक है, ये देखो अभी फर्स्ट सेटअप हो रहा है और सेकंड सेटअप इस मशीन पे होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे हाथ में भी फर्स्ट सेटअप भी हुआ है, हमारे हाथ में पीस दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी का ऑफसेट आज लेके बताऊंगा आपको कि कैसे सीमेंस कंट्रोल में एक्स और जेड टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं माइनस और प्लस में। ठीक है, तो हमारा ये आप बना हुआ पीस हमारा, पहले हम साइज भी आपको दिखा रहे हैं कि कितना है हमारा साइज का है। चलो नापो इसको, कितना साइज का है ये। ठीक है, ये डायर नापो ये जिसपे हमें ऑफसेट लेना है, ये डायर छोटा वाला नापो डायर दोस्तों, ये 19 mm है। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपको दिखा भी रहा हूँ 19 mm इसका डाया है। ठीक है, अभी हमको ये मालूम चल गया कि 19 mm डाया है तो क्या है ऑफसेट लेने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। दोस्तों ऑफसेट लेने का तरीका तो बहुत तरीके से है, पीस को टर्निंग करके भी नाप के हम ले सकते हैं। ठीक है, बट जब हमारा पीस ही हमारा टर्निंग हुआ है, जब उसी को हम समझ जाएंगे हाँ इतना हमारा, तो लेने में आसानी हो जाएगी। जो हमारे नए नए सीखने वाले भाई हैं उनके लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और पीस को टर्निंग करके भी ले सकते हो प्रॉपर, उसको भी बता दूंगा, बट अभी हमारा ये सिंपल है। सिंपल में क्या, सिंपल लगा के हम यहाँ पे जेड जीरो ले लेंगे, एक्स लेके बताएंगे आपको, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपल नहीं है तो वो भी तरीका मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, बट इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। अभी आप सिंपल इसको लगाओ चक्के में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम है। ठीक है, ये हमारा सिंपल इसमें लग गया। अब क्या है, इसको लगाने का बेनिफिट क्या है कि ऑफसेट लेने में आसानी रहेगी, इसलिए क्योंकि इसका लंबाई भी प्रॉपर है, इसका ये बना हुआ भी डाया भी प्रॉपर है। अब हमको पता है कि ये 19 mm डाया है जो कि अभी अभी हमें आपको नाप के दिखाया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा TNMG टूल लगा हुआ है, अभी इसको ऑप्शन लेंगे 19 mm डाया है, 19 mm डाया के हिसाब से ले लेंगे। इसको वैसे थ्रेडिंग का सेम है, डाया में हमें पता है कि हाँ 19 mm है, तो उसके हिसाब से हम थ्रेडिंग का भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कंट्रोल में थ्रेडिंग टूल का ऑप्शन लेने के लिए, सबसे पहले क्या करना होता है उसी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है MD है, आपको दिख रहा है साफ साफ क्लियर से दिख रहा है MD है, ये रहा MD है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी कंट्रोल में देखो ऑटो पे मशीन खड़ी हुई है, यहाँ पे देखो लाइट जल रही है ना, ऑटो पे भी मशीन खड़ी हुई है। जिन भाइयों को सीमेंस कंट्रोल के बारे में नहीं नॉलेज है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो MD है, MD की बटन दबाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन आया, अभी हमारा क्या था, ये 5 नंबर टूल था, इसमें 5 नंबर टूल का ऑप्शन लिए हुए थे, कोई और कंपेटिटर चल रहा था इसलिए यहाँ पे 5 नंबर डाला हुआ है। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे देखना जरूरी होता है, जो नंबर टूल का हम ऑफसेट लेंगे यहाँ पे वो टूल आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे टूल नहीं आया दोस्तों तो आपका ऑफसेट किसी और में ले लोगे। ठीक है, टूल को भी और भरा रहेगा। तो अभी क्या है कि जो भी हमारा प्रोग्राम जैसे भी हम बनाना चाहिए, जैसे एक नंबर उसको ऊपर वाला बना दिया TNMG, दो नंबर थ्रेडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो T5D1M03SR6 यहाँ पे डाला हुआ है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे 5 लिखा हुआ ना वहाँ पे लिखो एक नंबर, जैसे TNMG टूल का एक नंबर ऑफसेट हो गया ना, यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे इसने देखो कैसे कैसे किए, यहाँ पे साइड में था ना पहले, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो राइट लेफ्ट है ना, अप डाउन। ठीक है, तो इससे क्या किए करो, इसे क्या किया यहाँ पे इस पर लाए। ठीक है,
यहाँ पे इस पे लागे, यहाँ पे देखो पहले 5 था, यहाँ पे 1 भर दो, 1 भर दो, ठीक है, 1 भर दिए, यहाँ पे क्या आ गया T1D1N03SR से। यहाँ पे देखो इतना बड़ा सा कोड देख के घबराइएगा नहीं, जो भी नया नया ऑफसेट लेना हो ऑपरेटर को, यहाँ पे देखो T1D1 लिखा हुआ है, टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1, ठीक है, M03S800। M03 क्या है, चक्का हमारा जो लेफ्ट में घूमेगा क्लॉक वाइज, ठीक है दोस्तों। अब M04 क्या है, हमारा एंटी क्लॉक वाइज, जैसे चूड़ी के लिए हमारा चलेगा एंटी क्लॉक वाइज यानी M04, और टूल के लिए चलेगा M03 यानी कि लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे M03 तो हमारा लेफ्ट में चलेगा इधर को, और M04 डाल दिया तो हमारा चक्का राइट में चलेगा। S800 क्या है, स्टैंडर्ड जगह स्पीड हमारा 800 के हिसाब से हमारा चक्का चलेगा, इसको हम 900 भी करते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट है तो हमारा प्रोग्राम में जितना डालना होता है हम उतना डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया ना, यहाँ पे देखो अभी हमारा 1 नंबर डाला हुआ है, और यहाँ पे देखो अभी 5 नंबर से हो रहा है। जब तक यहाँ पे 1 नंबर नहीं आएगा टूल को ऑफसेट नहीं ले पाओगे। तो MBA में खड़ा है, यहाँ पे 1 नंबर डाल दिए, अब साइकिल स्टार्ट दबाओ, साइकिल स्टार्ट दबाते ही दोस्तों यहाँ पे टूल चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या है, अपना रीसेट मार लो, ठीक है। यहाँ पे रीसेट मार दिए, रीसेट की बटन रखी हुई है, यहाँ भी रीसेट की बटन है, यहाँ साइकिल स्टार्ट और यहाँ भी साइकिल स्टार्ट, ठीक है। अब क्या करो, हैंडविल से टूल को नीचे ले आओ, ये हैंडविल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्पीड बढ़ाया, यहाँ पे एक्स चेंज किए, एक्स लाना है नीचे, ये हैंडविल से देखो धीरे धीरे हम टूल को नीचे ला रहे हैं। अब जेड में जाइए, ठीक है, ये जेड की बटन है, अब जेड में देखो, जेड में गए, पहले जेड का ऑफसेट लेना हमने, ठीक है, आराम से जब 30 के पास पहुँचे ना बिल्कुल स्लोली, यहाँ पे स्लो कर लो स्पीड, यहाँ पे स्पीड स्लो। अब यहाँ पे देखो जेड का ऑफसेट हम पहले लेंगे, इसका थोड़ा सा एक्स नीचे लाओ, ठीक है, एक्स नीचे आ रहा है थोड़ा, अब टच कराओ जेड में जाके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले उधर को देखो, नहीं गलती कर रहे हो, उधर को, हाँ जिधर को ऑफसेट लो ना उधर ही को चक्का चलना चाहिए, ठीक है, बस हो गया, टच हो गया, बस थोड़ा बहुत होगा हम ऑफसेट से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया टच ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा टूल क्या है, टच हो चुका बस, ठीक है, यहाँ पे टच हो चुका है। अब यहाँ पे देखो हमारा अभी हैंडविल पे खड़ा हुआ है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे भी हैंडविल हम दबाएंगे यहाँ पे शो होने लगेगा मेजर टूल का, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 नंबर डाला हुआ है, अभी हमारे देखो Z0 से थोड़ा फर्क है ना, यहाँ पे कोई टूल बांधे थे बट इसमें फर्क था, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे Z0 होना चाहिए जहाँ पे Z का ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z0.0, अगर ऑप्शन कोई भी लिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लिखा है इसको दबोगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे उतना ही ऑप्शन आएगा जितना कि यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इतना, बट हमें क्या करना है Z0 करना है, तो यहाँ पे 0.0 करो, यहाँ पे 0.0, ठीक है। अब सेट लेंथ करो, सेट लेंथ जेड, यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब 1 नंबर हमारा 0 हो चुका है, ठीक है, अब हमारा क्या है, एक्स लेंगे 1 नंबर का, ठीक है, यहाँ पे जेड में गए, ठीक है, बाहर के टूल को, अब एक्स ऊपर, हाँ अब एक्स में जेड में जाओ अंदर को, जहाँ पे एक्स का लेना है हमें, ठीक है, जहाँ पे 19 हम नापे थे ना, यहाँ पे 19 नापे थे, वहाँ पे इसको टच कराओ टूल को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे हम 19 इसको नापे, ठीक है, इसको टच कराओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे देखो उधर को फिर गलती कर रहे हो, ऐसे क्या इंसर्ट टूट जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा प्रॉपरली ये टूल टच होने वाला है, ठीक है, हो गया, हाँ। यहाँ पे देखो हमारा टूल क्या है, जहाँ जितना हमारा डाया उस पर हमारा टूल हम टच करा लिए, ठीक है, अभी हमारा ये प्लस में टूल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या शो हो रहा है, 13.397 है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए 19, ठीक है, 19 आना चाहिए यहाँ पे। अब डालो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मेन पॉइंट यही है दोस्तों, यहाँ पे देखो जेड पे अभी टूल खड़ा है हमारा, जेड पे जो हम Z0 भरे थे अभी जेड पे खड़ा है, और एक्स का ले रहे हैं हम, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जेड का एक्स में डालते हैं, एक्स का जेड में डालते हैं, उल्टा कर देते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना है, अब हमारा एक्स का ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज करो, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 0.0 है। अब यहाँ पे क्या साइज है, 20 का कितना डायना पे थे, 19 mm, यहाँ पे 19 mm, 19.0 भरो, 19.0, यहाँ पे देखो 19.0 आ गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 19.0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेट लेंथ एक्स, ठीक है, इसको दबाओ तो यहाँ पे 19.0 लिख रहे हैं, यहाँ पे दबा दिए, यहाँ पे देखो 19.0। अब क्या है, एक्स और जेड का 1 नंबर टूल का ऑफसेट आप ले चुके हो प्रॉपरली, ठीक है। अब क्या है, ऊपर ले जाओ इसको, ठीक है, ध्यान से टूल नीचे को नहीं ऊपर को, हाँ
ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर को ले गए, ठीक है। अब क्या है, जेड में बाहर खींचो, इधर खींच लो जेड में बाहर, ठीक है। एक मिनट, अब क्या है, अब हमारा दो नंबर का लेंगे थ्रेडिंग का, ठीक है। थ्रेडिंग टूल को ऑफसेट लेंगे। अब क्या करो, अब यहाँ पे एक नंबर डाले थे एमडीए में, तो यहाँ पे एक नंबर आया था ना, अब एमडीए में डालो कि यहाँ पे दो नंबर आना चाहिए, ठीक है। एमडीए दबाओ, एमडीए दबा दिए, यहाँ पे जहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दो लिखो, टी वन के बाद यहाँ पे टी टू है ना, टी टू डी वन। कई लोग क्या करते हैं कि ऑफसेट नंबर टूल नंबर वही डालते हैं, बट यहाँ पे टूल नंबर आप डाल दो, ऑफसेट नंबर चाहे वही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ 100% कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, साइकिल स्टार दबाओ, तभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा दो नंबर, ठीक है। अब साइकिल स्टार दबाओ, देखो तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चल चुका है, बट यहाँ पे दो नंबर टूल हमारा आ गया, ठीक है, थ्रेडिंग का। अब क्या, रिसेट मारो। अब तुम्हें डाया पता ही है 19 है, ठीक है। अब यही चीज़ ध्यान में रखना है कि वो टूल हमारा प्लस में था और ये थ्रेडिंग टूल हमारा माइनस में है। अब इसको माइनस में लेना है एक्स को, जेड का तो सेम रहेगा, पर एक्स को माइनस में लेना है। कि माइनस में कैसे लेते हैं वो चीज़ मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हैंडविल से चलिए ऊपर, ठीक है। हैंडविल है एक्स, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड स्पीड अभी स्लो है, ठीक है। ये देखो हमारा ये जाने लगा ऊपर, ठीक है। हैंडविल भी इसके बहुत फ्री है, हैंडविल को हाथ से बिल्कुल स्लोली चलाना होता है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है यानी कि हैंडल होता है, उसी तरह ये हैंडविल भी है, ठीक है। उसका यहाँ पे जेड में गया, स्लो लो, स्लो 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 कर लो, स्पीड स्लो, ठीक है। क्योंकि जिसको इसके एक्सपीरियंस रहता है ना, वही इतना तेज़ चला सकता है, ठीक है। आगे जाओ, अब जेड में जाओ, ठीक है, जेड में, जेड में, जेड में। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं बता दूँ तो दोस्तों, कई लोग क्या है बताते हैं कि यहाँ पे हम भी यूज़ करते थे ऑफसेट लेते समय दोस्तों, थ्रेड और रेडिंग का यहाँ पे क्या है, कागज़ से लगा लेते हैं टुकड़ा, यहाँ पे कागज़ से लगा लेते हैं, यहाँ पे धीरे 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 कर कागज़ हमारा टाइट हो गया, यानी कोई वैसा भी कागज़ हो यहाँ पे टाइट हो गया हमारा, तो उसी पे ऑफसेट भर देते हैं, एक्स का भी और जेड का भी, ऐसे ही करते थे। बट यहाँ पे किसको इतना टाइम है दोस्तों, ठीक है, सही मायने में उसी तरह लेते हैं, पर हम कहाँ कागज़ ढूंढने जाएँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से ऑफसेट आपको बता दे रहे हैं। कागज़ से अगर लगाना हो तो आप कागज़ भी लगा सकते हो, कागज़ टाइट हो जाए तो आपका क्या कहते हैं, बीट के यानी कि इंसर्ट के बचाव के लिए ऐसा किया जाता है, बट अपना हाथ का एक्सपीरियंस सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो आराम से इसको टच करते हैं पीस में, ठीक है, पीस में। अब नहीं देखो, अभी आप चक्के को उधर उधर घुमा रहे थे ना, और टूल उधर है तो उधर को घुमाओगे, आप टूल नीचे है तो टूल नीचे को घुमाओगे सर, ताकि हमारे इंसर्ट टूटे, ठीक है। अब हल्का हल्का चक्के को नीचे घुमाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम जेड में इसको टच कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जेड में प्रॉपर टच हो चुका है, ठीक है, जेड में टच हो चुका है। अब कागज भी लगाते हैं फिर भी ऐसे होता टाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जेड में आराम से प्रॉपरली टच करा लिए। अब यहाँ पे भर दो जेड 0.0, यहाँ पे देखो अभी क्या डाला हुआ है, 7, ठीक है, 7.40, ठीक है, 414, ठीक है। यहाँ पे जेड 0.0 आना चाहिए, यहाँ पे जेड पे खड़ा हुआ अभी, ठीक है। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे जरूरी होता है, जेड पे खड़ा हुआ अभी हमारा जेड 0.0 भरा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दबाओ सेट लेंथ दबाओ, ताकि यहाँ पे जीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जीरो हो चुका, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या, आप पीछे करो इसको, जेड को, जेड को पीछे करो, जेड को, जेड को पीछे करो, ठीक है। अब नीचे लाओ, एक्स स्पीड बढ़ा के नीचे, अब नहीं नहीं इतना नीचे, 19 पे ले जाओ, जो 19 का एक्स में लिए थे ना, 19 पे ले जाओ आप, ठीक है, जेड दबाओ, हाँ अब 19 पे जाओ और जाओ, ठीक है। अब 19 पे जाके इसको टच कराओ धीरे धीरे, ठीक है, ले जाओ ऊपर ले जाओ। अब यहाँ पे भी कागज वाला सिस्टम आ जाता है, बट अपने जो बोला नहीं, अपना एक्सपीरियंस सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम स्लोली स्लोली ले जाओ, हल्का सा टच होना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का पीछे भी रह जाएगा, वो हम ऑफसेट से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल्का सा टच होना चाहिए हमारा सर, ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ और ले जाओ यहाँ पे और ले जाओ ले जाओ ले जाओ हल्का हल्का ले जाओ, ठीक है दोस्तों। अभी मैं किसी से ऑफसेट एक्स और जेड टूल का ले आ रहा हूँ, अगर मैं लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इनका भी हाथ सफा होना चाहिए, इसलिए मैं इनके हाथ से लगा रहा है ऑफसेट एक्स और जेड का, ठीक है। यहाँ पे टच हो गया, बस बस बहुत है, यहाँ पे देखो यहाँ प्रॉपरली हमारा टूल, थ्रेडिंग टूल का हमारा टच हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम कागज़ भी लगा सकते थे,
बट हम नहीं लगाए, ठीक है आप लगा लेना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा पे क्या पता है ना कि हमारा ये डाया 19 है, अभी नापो भी नापे भी दिखा दें आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो आप, अब यहाँ पे मेन पॉइंट यही है, कई बार क्या होता है कि लोग ऑफसेट लेते समय ना एक्स और माइनस और उनको प्लस पता नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे उनको माइनस में ऑफसेट लेना है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी अभी हमने जेड का ले लिया है ना, तो आप यहाँ पे एक्स ले जाओ, एक्स की वैल्यू की है, ठीक है। अब यहाँ पे भरना है, यहाँ पे 19 प्लस में भरा हुआ है, देखो 19.0, तो यहाँ माइनस नहीं लगाना है, तो यहाँ पे प्लस में है ये, ठीक है। तो ये पहले वाला लिए थे तभी 19 भरा हुआ है। अब यहाँ पे लिखो -19.0, मेन पॉइंट यही है -19.0, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे -19.0 क्योंकि हमारा ये टूल थ्रेडिंग टूल हमारा ये माइनस में, ठीक है, -19.0। अब यहाँ पे सेट लेंथ एक्स है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, -3.5 है ना, यहाँ पे -19.0 आ जाएगा। चलो सेट लेंथ एक्स दबाओ, ठीक है, यहाँ पे -19.0। अब प्रॉपरली हमारा एक्स और जेड का टूल को ऑफसेट ले चुके हैं। अब इसको पीछे कर लो थोड़ा सा, इसको पीछे पीछे, ठीक है, इसको बचा करके अब इसको पीछे कर लो, जेड में खींच लो बाहर, ठीक है। अब देखो हमारा दोस्तों यहाँ पे एक्स और जेड टूल को ऑफसेट प्रॉपरली ले लिए, ये थ्रेडिंग टूल का है और ये हमारा TNMG का, ठीक है, इसको प्रॉपरली ले लिए। अब हम लगाएंगे पीस दूसरा, जो हमारा पीस कंप्लीट चलाना है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे इसको, देखो ये मेरा कंप्लीट है, इसको चलाना है, ठीक है। ऑफसेट लेने का दोस्तों तरीका बहुत तरीके से है, बट आपको जो समझ में आए, जो इजी तरीका आपको लगे, वही तरीका मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। ऑफसेट लेने का तरीका तो भी बहुत है। यहाँ पे क्या है कि हमारा वो ऑफसेट ले चुके हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, सारा प्रोग्राम बना हुआ है थ्रेडिंग का भी, थ्रेडिंग हम साइकिल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइकिल में बना दिए हैं, अब इसको क्या करेंगे, सिंगल ब्लॉक में जो भी नया सेट रहता है यहाँ पे सिंगल ब्लॉक में क्या करेंगे, फीड को जीरो करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको क्लैंप दबाएंगे, इसको साइकिल स्टार्ट को यहाँ पे सबसे पहले इसको करें, तो यहाँ पे हम साइकिल स्टार्ट को दबाएंगे, पानी को बंद करें, ठीक है, देखो ऐसे करके इसको चलाना है, ठीक है। ये देखो हमारा टूल गया, एक एक लाइन जब साइकिल स्टार्ट रहता है ना, यहाँ पे साइकिल क्या है, एक एक लाइन हमारा एक प्रोग्राम को चलाता है, ठीक है। अभी हम टूल का ऑफसेट सही लिए हैं कि गलत लिए हैं, वो चीज़ आपको खुद ही मालूम चल जाएगा इसी वीडियो में, मैं चला के भी दिखा रहा हूँ एक नंबर टूल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमारा अभी फेस हो गया, ठीक है, फेस हो रहा, एक मैं बाहर आया, 28 अब टर्निंग होगा इसका, ठीक है दोस्तों। अब ये टर्निंग हो रहा है, अब ये बाहर आ गया है 1 mm फिगर, फिर से टर्निंग होगा ये, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि मैं गेट इसका बंद, तो दोस्तों ये मेरा देखो फर्स्ट, ये देखो जो फर्स्ट टूल का ऑप्शन लिए थे जो TNMG का प्लस में, उससे हमारा क्या है टर्निंग है प्रॉपर हो चुका है, यहाँ पे 19 जाया इसका बन गया, ठीक है। टर्निंग टूल का हमारा प्रॉपर हो चुका है, इसका मतलब क्या है, एक्स और जेड टूल का ऑफसेट हमने एकदम राइट लिया, ठीक है। अब चलाएंगे थ्रेडिंग का, ठीक है। अब थ्रेडिंग का टूल हमारा, ठीक है, गया। अब क्या है, ठीक है, एक लाइन चलाएंगे, देखो फिर से साइकिल स्टार्ट दबाएंगे यहाँ पे, तो फिर से एक लाइन चलेगा यहाँ पे, देखो फिर से दबाएंगे, फिर से चलेगा। अभी क्या है हमारा ऑफसेट पीछे है, इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा प्लस में करेंगे, यहाँ पे दोस्तों ऑफसेट डाल चुके हैं। अब थ्रेडिंग टूल को हम फिर से चला रहे हैं, गलती से गोल्ड चल गया, ठीक है। अब देखो ऑफसेट डाल दिए हमने साइज इसका, अब देखो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी क्या है प्रॉपर ये चूड़ी पड़ चुकी है इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने थ्रेडिंग का और TNMG टूल का एक्स और जेड का आपको अच्छी तरीका बता दिया कि कैसे लिया जाता है एक्स और जेड का टूल दो ऑफसेट, वो भी सीमेंस कंट्रोल में, ठीक है दोस्तों। अब इतना ईजी तरह बताया, एक नॉर्मल भी लड़का होगा वो भी समझ जाएगा जो CNC पे काम करता होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सीमेंस कंट्रोल में किया जाता है, एक्स और जेड टूल का ऑफसेट लिया जाता है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इसी तरह लिया जाता है। एक एक चीज़ मैंने बताया, MDA हैंडबिल, ठीक है, साइकिल स्टार्ट रीसेट, हर चीज़ आपको करके दिखाया कि मैंने कैसे कैसे
किया जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है सर। तो आपका तो ऑफसेट लेना पूरी तरह आ गया, ठीक है। माइनस में आपको आता नहीं था, बट माइनस में आज आपसे खुद ले आया, आपको आने लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।